100 साल पहले की बात है, एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपा मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गया और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था, उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा, आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ, पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था।